तमाम चुनावी अटकलों को दरकिनार करते हुए पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर चुनावी हुंकार भर दी। नामांकन के बाद इंडी अलायंस में बेचैनी बढ़ गई। काफ़ी संख्या में समर्थकों ने पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी की। नामांकन के बाद पप्पू यादव ने कहा कि गरीबी मिटाना ही मेरा संकल्प है, रोजगार के अवसर पैदा करना मेरा मकसद है। पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इस बार जहां एनडीए से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं महागठबंधन से बीमा भारती मैदान में ताल ठोक रही हैं। पप्पू के निर्दलीय चुनावी समर में आने के बाद चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। निर्दलीय नामांकन का पर्चा भरने के बाद पप्पू यादव ने टाउन हॉल में सभा कर चुनावी शंखनाद किया। किसी दल किसी पार्टी का पैसा देकर बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। 15 साल हो गया पूर्णिया का राम, पप्पू यादव फिर पूर्णिया आ गया। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, ये जो मजमा है ये बताएगा कि रमजान का महीना है, राम और रमजान जब एक साथ होगा तो बनेगा हिंदुस्तान की एक नई जान। पप्पू यादव जिंदाबाद। कोसी सीमांचल की आजादी, जातीय उन्माद और भ्रष्टाचार का खात्मा, नफरत का खात्मा और हर परिवार के बच्चों की खुशी, गरीबी मिटाने का संकल्प है मेरा। हर परिवार को पढ़े लिखे बेटियों को रोजगार और हर युवाओं के लिए संकल्पित के साथ मेरा कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है। बिहार के हर परिवार के लिए जीने और उसकी सेवा करने का मेरा एक लक्ष्य, कोसी सीमांचल को दुनिया में नंबर वन करने का मेरा लक्ष्य और हर तरह के भ्रष्टाचार को मिटा देने का 4 दिन के बाद मेरा एक संकल्प। कांग्रेस नेतृत्व का हमें आशीर्वाद प्राप्त है।